मैंने तो कहा कि मैं गांधीवादी नहीं हूँ, मैंने तो हमेशा ही कहा कि मैं नेतावादी हूँ, तो उसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा मुश्किलों का भी सामना करना पड़ा। कई समन आ गए थे मेरे ऊपर और ऑलमोस्ट जेल में डाल दिया गया था मुझे। नमस्कार दोस्तों, नेक्स्ट नाइन लाइफ देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ प्रज्ञा सिंह। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में बात करेंगे बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत की। बता दें, एक्ट्रेस कंगना रनौत ने केवल बॉलीवुड इंडस्ट्री बल्कि राजनीति में भी अपने बयानों को लेकर हमेशा सुर्खियों में रहती हैं। कई बार तो अपने बयानों के चलते एक्ट्रेस मुश्किलों में भी पड़ चुकी हैं। इस बीच एक्ट्रेस ने एक बार फिर से गांधी परिवार पर हमला बोल दिया है। बता दें, बीते 8 सितंबर को पीएम मोदी ने सेंट्रल विस्टा एवेन्यू प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया था। इस उद्घाटन कार्यक्रम में देश के तमाम नेता, स्टार्स और हस्तियां शामिल होने पहुंची थी और इन्हीं में से एक थी बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत। अब कंगना रनौत तो कंगना रनौत ही है। जी हां, आपको यूं ही बता दें कि यूं ही उन्हें बॉलीवुड इंडस्ट्री की क्वीन नहीं कहा जाता, अपने बेपाक अंदाज के लिए ही वो जानी जाती है। और इस उद्घाटन के दौरान भी कंगना रनौत से जब सवाल पूछा गया गांधी परिवार को लेकर, तो क्या कुछ कहा है कंगना रनौत ने, आप भी जरा सुनिए। और हमारे लिए, जैसा कि मैं हमेशा से कहती आई हूँ कि जो हमारे देश के प्रतिनिधि हैं, जिस तरह का वो हमारे लिए एक मार्ग बना के जाएंगे, चाहे वो राजपथ हो या कर्तव्य पथ हो, जो भी बना के जाएंगे, आने वाली जनरेशन उसी पे ही चलेंगी। तो ये मार्गदर्शन है हमारा और हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य का दिन है सबके लिए। और नेताजी के बारे में तो मैं हमेशा ही खुल के बोलती आई हूँ, उसके करके मैं आई वॉज इन ट्रबल ऑल्सो। मैंने तो कहा कि मैं गांधीवादी नहीं हूँ, मैंने तो हमेशा ही कहा कि मैं नेतावादी हूँ, तो उसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा मुश्किलों का भी सामना करना पड़ा। कई समन आ गए थे मेरे ऊपर और ऑलमोस्ट जेल में डाल दिया गया था मुझे, मेरे घर पे पुलिस पहुंच गई थी। तो लोग हर्ट हो जाते हैं, लेकिन हर एक की अपनी मेंटालिटी होती है। मैं उन लोगों में से हूँ जो ये विश्वास रखते हैं कि मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, उस तरह की मैं विचारधारा ली हूँ। और नेताजी को जो हम यहाँ पे स्थापित कर रहे हैं, ये सिर्फ एक मूर्ति नहीं है, ये एक आइडियोलॉजी है, ये एक जीवन जीने का एक तरीका है, ये एक अपने आप में ही एक फिलॉसफी है जो हम लोगों को यहाँ पे ये जो पूरी मूर्ति है, जिस तरह की स्कल्पचर है, यहाँ होने से उनका एक हमारे मन में विचार रहेगा, एक विचारधारा बनेगी। तो ये बहुत ही ऐतिहासिक दिन है और इसका हिस्सा बन के मैं अपना ही सौभाग्य मानती हूँ। कंगना, जो भूमिका रही है नेताजी की आज़ादी में, लगता है कि आपको भूमिका, नई पीढ़ी वो भूमिका जान पाएगी नेताजी की? हमें देखिए, मुझे हमेशा से ही, मैंने हमेशा से ही कहा है कि हमें जो है आज़ादी वो नेताजी की वजह से, उनकी तरह कई क्रांतिकारी, चाहे वो सावरकर हो, उनकी वजह से ही मिली है। हमें आज़ादी मांगने से नहीं मिली है, हमने आज़ादी अपने हक से ली है। तो कंगना रनौत के इस बयान पर आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। ऐसी ही तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए नेक्स्ट नाइन लाइफ। नमस्कार।